नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात कथक नृतक बिरजू महाराज का सोमवार तड़के अपने घर पर निधन हो गया। उनकी पोती ने ये जानकारी दी। महाराज जी के नाम से विख्यात बिरजू महाराज अगले महीने 84 वर्ष के होने वाले थे। रागिनी महाराज ने बताया कि बिरजू महाराज के निधन के वक्त उनके आसपास परिवार के लोग और उनके शिष्य मौजूद थे। वे रात के भोजन के बाद अंताक्षरी खेल रहे थे जब महाराज को अचानक कुछ परेशानी होने लगी। भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं पसंदीदा कलाकारों में से एक ब्रजमोहन नाथ मिश्रा पंडित बिरजू महाराज के नाम से मशहूर लखनऊ के कालका बिंदा दिन घराना से ताल्लुक रखते हैं। उनके 5 बच्चे और 5 नाते पोते हैं। कथक नृतक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और उच्च मधुमेह की वजह से पिछले महीने से डायलिसिस पर थे। उनकी पोती ने बताया कि संभवतः महाराज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कथक दिग्गज की निधन की खबरें आते ही शोक संदेश भी आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिरजू महाराज की मौत पूरे कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशेष पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कलाकार को प्रदर्शन कला परफॉर्म आर्ट्स का दिग्गज बताया। बिरजमोहन महाराज या बिरजू महाराज कथक नृतकों के महाराज परिवार के वंशज थे। उन्होंने अपने पिता और गुरु अटन महाराज और चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज से प्रशिक्षण लिया। दिवंगत पंडित जसराज की बेटी गायिका दुर्गा जसराज ने बिरजू महाराज के निधन को भारतीय प्रदर्शन कला के लिए भारी नुकसान बताया। संगीतकार अदनान सामी ने कहा कि हमने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में एक अद्वितीय संस्था खो दी है।